हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूँ शुभी और आज जो मैं बनाऊंगी एक वो छोटे बच्चे के लिए केक बनाना है, एक कार्टून कैरेक्टर पर है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो ये 2 पौंड का चॉकलेट केक था, तो 2 कप प्रीमिक्स से मैंने केक बेक कर लिया है। इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला था और मेरा बेकिंग प्रोसेस को देखना है तो मेरी पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो बस मेरा केक बेक हो गया, बहुत अच्छा, बहुत स्पॉन्जी बेक हुआ। इसकी पतली सी लेयर मैंने ऊपर वाली हटा दी है, ऐसे नहीं भी हटाने से चलेगा क्योंकि डोम शेप तो आता नहीं है मेरे केक में, लेकिन मैं हटा देती हूँ। इसको 3 लेयर में कट कर लिया है और मैंने आज पतीले में केक बेक किया है क्योंकि मेरा ओवन फिर से ख़राब हो चुका है, तो पतीले में भी बहुत अच्छे से केक बेक हो जाता है। फिर मैंने बोर्ड लिया है अपने केक के हिसाब से और बोर्ड पर क्रीम लगाया है, पहली लेयर रखी है और क्रीम में मैं चॉकलेट गनाश मिक्स कर रही हूँ ताकि मैं चॉकलेट क्रीम रेडी कर सकूँ। और गनाश को अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लेना है तो इसी तरह से चॉकलेट केक चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाती है। इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और बस अब इसकी आइसिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सोकिंग करेंगे केक की। तो चीनी पानी का मिक्सचर रेडी किया है मैंने और उससे केक की अच्छी तरह से सोकिंग कर ली है। उसके बाद मैंने क्रीम लगाया इसके ऊपर और इसके बाद मैं लगाऊंगी गनाश, चॉको चिप, सब कुछ डालना है अच्छे से क्योंकि सारा केक में टेस्ट जो है इसी सब चीज़ से आएगा। और डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्यारी है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो ढेर सारा गनाश डालना है ताकि अच्छा चॉकलेट टेस्ट हो, क्योंकि टेस्ट अच्छा होगा तभी लोग को पसंद आएगा आपका केक। उसके बाद हम इसके ऊपर चॉको चिप डालेंगे, इससे क्रंच आ जाता है चॉकलेट का तो अच्छा लगता है। अब सारी लेयर को इसी तरह से हम सेट कर लेंगे। ये मेरी 3 लेयर सेट हो गई है। उसके बाद थोड़ी सी क्रीम से हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग अच्छे से करना है ताकि क्रम जो है अच्छे से दब जाए, क्योंकि ऊपर से हमें कलर दूसरा देना है तो अगर सही से क्रम कोटिंग नहीं हुई भी रहेगी तो क्रम जो है केक के बाहर वाली लेयर पर आएगा, उसके बाद आपकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह का चॉकलेट केक हो तो क्रम कोटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करना इम्पॉर्टेंट होता है, नीट एंड क्लीन केक बनता है और जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना अच्छा आपका काम दिखेगा, काम अच्छा दिखेगा तो आप ही के लिए अच्छा होगा। तो देखिए क्रम कोटिंग मेरी बहुत अच्छे से हो गई है, कहीं से भी केक में केक दिख नहीं रहा है। तो अब हम फाइनल जब इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग होगी। अब मैंने क्रीम में मिलाया है येलो जेल कलर और इस तरह का येलो कलर मैंने रेडी किया है, पाइपिंग बैग में भरा है। अब इससे हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे क्योंकि केक को हमें येलो बनाना है। तो येलो भी मतलब उतना तो कलर यूज़ नहीं कर सकती थी तो इसके बाद मैंने इसको और थोड़ा सा डार्क शेड दिया है। तो वो कैसे दिया है वो भी आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिंग बैग को ज़्यादा कट नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक येलो शेड चाहिए था, एक लेयर चाहिए था क्योंकि हमने अच्छे से क्रम कोटिंग करके रखी है इसकी, तो ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं है। फिर ऊपर से मैंने सबसे पहले लेवल में कर दिया है केक को, अच्छे से क्रीम को बराबर कर लिया है। फिर साइड से पहले हम क्रीम को स्मज कर लेंगे ताकि जो जितना गैप है वो फिल हो जाए, उसके बाद हम इसको स्क्रेपर से क्लीन करेंगे। तो ये OHP शीट वाला जो स्क्रेपर होता है ये बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, आपकी क्रीम निकलती नहीं है और बहुत अच्छे से जो है केक क्लीन भी हो जाता है। अब एक्स्ट्रा क्रीम को हम निकालते जाएंगे या बराबर कर लेंगे अगर ज़्यादा नहीं है तो। तो 1-2 बार इस तरह से हम इसको क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जब तक मेरा क्लीन नहीं होगा केक और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जब तक मैं इसको करती रहती हूँ, और जब परफेक्ट हो जाता मेरे हिसाब से तब फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए हो गया है। अब मैंने ये जो डस्ट वाला पाउडर कलर होता है वो अपने पंप में भर लिया है
और इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। इससे एक शेड डार्क हो जाएगा और ज़्यादा कलर भी नहीं लगेगा। ये बहुत लाइट होता है, कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता है इसका। अब ये जैसा कलर मुझे चाहिए था ऊपर वाले सरफेस पर मिल गया है। केक को मैंने रख दिया थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए और आगे का जो फॉन्डेंट वर्क है वो मैं कर रही हूँ। तो मुझे रेड कलर के फॉन्डेंट से दो सर्कल निकालना था तो वो निकाल लिया, और ऐसे ही जो जो चीज़ चाहिए मैं बना लूँगी। ये पिकाचू वाला केक बन रहा है, तो पिकाचू का गाल होता है रेड कलर का, आईज होती है ब्लैक। तो जो जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने सब बना लिया है। आप देखते जाइए कि कैसे बना रही हूँ मैं। और इसी ब्लैक फॉन्डेंट से ही मैंने ये मूंछ भी बना लिया है, नाक बना लिया है ट्रायंगल कट करके। अब इस तरह से प्लेस करना है। पहले गाल मैंने लगा दिया है, रेड कलर के का गाल होता है ना पिकाचू का, वही। उसके अब मैं इसके कान को बना रही हूँ। पहले मैंने बनाया नहीं था, मैं सोचा पहले बना लूँगी तो थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा। अब सीज़र से मैं यहाँ पर सीज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ कान का शेप देने के लिए, क्योंकि हम एक तरह का केक हमेशा हम नहीं बनाते हैं। ये सब जो जितना कार्टून कैरेक्टर वाला होता है वो कभी कभी ही बनाने को मिलता है, और हमेशा कुछ नया ही होता है, तो रिपीट तो होता नहीं है, बहुत कम रिपीट होता है। तो जब भी हम बनाते हैं वो एक नई चीज़ होती है हमारे लिए, तो फिर देखना पड़ता है, अच्छे से देख के बनाना पड़ता है। फिर ब्लैक कलर के फोंडेंट से कान के ऊपर आधा ब्लैक और आधा येलो होता है पिकाचू का कान, तो उस तरह से मैंने इसको सेट किया है। दूसरा कान भी इसी तरह से मैं देख रही हूँ कि बराबर है या नहीं, तो इसके साइज़ को रख करके मैं कट करूँगी। और इसको सेट करने के लिए केक के ऊपर मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक लगाई है। अब ये दोनों कान मेरा रेडी हो गया है। अब आइज़ के लिए जो मैंने कट किया था वो थोड़ा छोटा लगा, तो मैंने उसको रोल करके थोड़ा बड़ा कर लिया है, और दोनों आँख लगा दिया है मैंने। अब ये जो नाक है या मुंह है जो भी है वो लगा दिया है, और ये मूछ जैसा जो होता है उसका वो सेट कर देना। जैसा पिक्चर भेजा था जिनका केक था, वो उन्होंने पिक्चर सेंड किया था, उसके हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने दोनों कान लगा दिया है, तो पिकाचू मेरा रेडी हो गया। अब बस आइज़ में जो वाइट पोर्शन होता है वो बनाना है, तो वो मैं बना रही हूँ। छोटे वाले नोज़ल से कट कर लिया है इसको, और थोड़ा सा पानी लगा करके फोंडेंट में मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया। और सबसे आखिर में मैंने इस पर एक बर्थडे का टॉपर लगा दिया यहाँ पे, और बस रेडी हो गया। तो ये पिकाचू केक की डेकोरेशन डिज़ाइन आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है, जो केक बनाना पसंद करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई प्यारी सी डेकोरेशन के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।